सर। यही हम करते भी हैं। तो एक काम करो, यहाँ पे वो लगा लो, वो क्या वही प्रोटो लगा लो। तो एक को पकड़े रहो, एक का डिफरेंशिएशन 2y डीवाई बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई स्क्वायर पकड़े रहो एक्स स्क्वायर का, 2x वाई स्क्वायर बराबर जीरो, बराबर जीरो। यहां से y कॉमन होकर कट जाएगा, उधर चला जाएगा जीरो के पास, तो क्या आएगा आपका 2 2 भी कट जाएगा, कॉमन होकर चला जाएगा, x भी कट जाएगा स्क्वायर से। आया क्या आपका x डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आएगा माइनस वाई बाई एक्स, क्या कहते हो? अब आंसर मैच नहीं करा रहा है, कर रहा है बोलो मैच हाँ कर रहा सर, है, यही तो आया है, यही ठीक है। अब आया है। अगर आप सर चाहो तो, लॉन्ग है क्या? डिफरेंशिएशन हाँ बच्चा जो तुम किए हो, क्वेश्चन टू रूल लगाओ। सर मैंने जिस तरीके से किया वो लॉन्ग है क्या? हाँ को देख रहा हूँ, तो अलग ही लेवल पे सॉल्व कर दियो, गुड। ऐसा सलूशन तो शिवांग जी ने पहली बार देखा। गलत है क्या सर? नहीं गलत तो हम नहीं कह सकते इसको, लॉजिकली तो तुम सही हो। जब आपको ट्रांसफर की हो तो एक चीज मानना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर या तो जीरो ना हो, एक्स केवल जीरो ना हो, नहीं जीरो तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर वन है, ठीक है। सर वाई की गया वैल्यू फिर 1/x रखती है, उसका भी सही है, बस जैसे हम लोगों का माइनस नहीं वाई बाई एक्स आया है तो वो तो उसका जब है, मान हम जब लो देखे तो वाई यहां से अब वन आप बाई एक्स वाई तो वही पुट करने समझो। पे आ जाएगा। हाँ देखो शिवांगी बेटा, बड़ा अच्छा किया तुमने, मजा आया देख करके। आप यहाँ से वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 1/x² बोलो। हाँ यहाँ से वाई क्या आएगा, 1/x² हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा ना बच्चा, यही तुमने भी पाया है बोलो। हाँ तो वाई को लोग चाहो तो यहाँ पे उठा जब आप रखोगे तो क्या आएगा, माइनस है ही, तो प्लस माइनस 1/x, और एक्स पहले से तो x² हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस ही रहेगा। तो आपका आंसर जो आया सही है, डीवाई डीएक्स जो आएगा आपका प्लस माइनस 1/x² आ रहा है। आप सही किए हो, बिल्कुल सही किए हो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल यस है, देवराज ने भेजा है, करते सही, हैं। यूनिक हाँ था सर, बच्चा, सर हाँ वाला यूनिक कोई एक बच्चा बोलो। हाँ था बोलो, सर, दूसरा वाला जो सिर्फ है वो सर हेलो भाई, मतलब आवाज तुम्हारी बड़ी धीमे धीमे आ रही है। सर ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। ये वाला हमने कर दिया यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक भैया सर यही प्रॉब्लम था कि क्यों दो आंसर आ रहा है, इसलिए आ रहा है, इसीलिए आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपका फंक्शन जो है इवन बन रहा है ना, ये दोनों तरफ से सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, यहाँ पे दो टेंजेंट मिल रहा है। हाँ मतलब दो कर्व मिल बने यहाँ पे, कहाँ नहीं आ रहा से बेटा, यहाँ तक आया कि नहीं, ये वाला सर, नहीं सर फिर से शुरू से बताए सर। हमने कहा कि यहाँ में लगा दिया प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर पकड़े थे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y डिवाइड बाई dx, प्लस वाई स्क्वायर पकड़े हैं एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 हो गया, हमने यहाँ पे 2xy कॉमन करके उधर भेज दिया, यहाँ पे आपका एक्स डिवाइड बाई dx प्लस वाई बराबर 0, बाकी सब भेज दिया हमने उधर, 0 के अपॉन में तो 0 हो गया, वाई को उधर भेज दिया, एक्स अपॉन में माइनस वाई बाई एक्स आ गया। हम कह रहे हैं सर वाई, अब हम कह रहे हैं कि ये y की वैल्यू एलिमिनेट कर दो ना यहाँ से, यहाँ से हमने y निकाला, y स्क्वायर क्या आएगा, 1/x², स्क्वायरिंग हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे, y की वैल्यू हमने यहाँ पर दिया प्लस माइनस 1/x, x पहले से था तो प्लस माइनस 1/x² हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है सर।
सवाल है, सवाल भेजा बच्चे। सर लिखे नहीं थे सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना बेटा? नहीं लिखे थे, लिख लो। हाँ सर बस लिख लो, लिख लो। सवाल है, y है फंक्शन ऑफ x, सवाल है log में x प्लस y बराबर 2 टाइम्स एक्स वाई, तो कह रहा है y डैश 0 का वैल्यू क्या होगा, मतलब आप y डैश निकाल लो उसके बाद x का वैल्यू 0 हो तो ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो। आसान सवाल लग रहा है मैम, लॉग में कुछ भी का वन अपॉन में कुछ भी, और फिर कुछ भी का डिफरेंशिएशन तो एक्स का वन वाई का क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स को पकड़े रहो वाई का वाई डैश हो जाएगा, वाई पकड़े रहो एक्स का वन हो जाएगा, वाई डैश का सामान एक तरफ कर लो, वन अपॉन एक्स प्लस वाई। प्लस वाई डैश अगर कॉमन कर लो तो यहाँ क्या आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, y डैश जब इधर से लाओगे तो क्या पाओगे, माइनस टू एक्स बराबर में टू वाई, ठीक है भैया। अच्छा तो इसको सॉल्व करिए, वन माइनस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये उधर जाएगा तो टू वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है भैया। अच्छा y डैश जीरो का मतलब y डैश की वैल्यू बताइए जब x इक्वल टू जीरो हो जाए, जब x इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो यहाँ से y निकाल लो, x इक्वल टू जब जीरो हो जाएगा log जीरो प्लस y मतलब y बराबर कितना आएगा, ये जीरो, x जीरो हो गया टू इंटू जीरो जीरो हो गया सब, log y अगर जीरो है मतलब y कितना रहा होगा, वन रहा होगा, y कितना रहा होगा, वन रहा होगा, मतलब x वैल्यू जीरो और y वैल्यू वन रख दीजिए, मतलब यहाँ जब रखेंगे तो क्या आएगा, y डैश वन माइनस, ये तो पूरा जीरो हो गया, जीरो प्लस वन बराबर में टू वाई। अब ये वाई के वैल्यू वन एक बार और बताओ, लॉग बेस ई पर, लॉग में कुछ नहीं है बेस तो ई ले लो, वाई बराबर जीरो मतलब वाई क्या हो जाएगा आपका, ई के पावर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लॉग बेस ए पर बी बराबर सी तो बी बराबर ए के पावर सी होता है ना बेटा, तो वाई इक्वल टू ई के पावर जीरो हो जाएगा मतलब वन हो जाएगा। और वैसे भी हमको मालूम है कि लॉग अगर जीरो है मतलब जो इनपुट हमने दिया हुआ वन दिया हुआ, लॉग वन जीरो होता है, लॉग वन जीरो होता है, तो वन आ रहा है आंसर। नहीं नहीं तो वाई इक्वल टू वन है ना, अभी नहीं हमको वाई डैश पूछा है बेटा, हमको वाई डैश पूछा, फाइनल आंसर बोल रहे वाई डैश जीरो वन आ रहा है, देखते हैं। तो टू इंटू वाई दैट इज टू माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, मतलब टू माइनस वन दैट इज वन और ये भी वन, तो वाई डैश बराबर वन आएगा, बढ़िया गुड, तो वन इज द राइट आंसर। ये आपका आईआईटी 2004 सवाल है, आगे बढ़े, और कोई सवाल है कि मैं दूं, ऐसे सवाल यहाँ भेजते रहिए आप लोग, चलिए अब ओके ओके, अब सवाल है मेरी तरफ से, देखिए एक सवाल दे रहे हैं, मान लो y है आपका,
हमने आपको y दे दिया, हम sin dy by dx at x equal to 0, इसको ऐसे भी लिख सकता है y dash 0 का वैल्यू बताइए, तो मतलब सेम है दोनों का। निकालिए फटाफट, डेढ़ मिनट ले लीजिए। वन आ रहा है सर। हाँ बेटा वन इज रेड है, वन आएगा सर। हाँ जीरो तो नहीं आ रहा है, वन आ रहा है सर। जावेद मियां आइए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक काम करो, वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, देखो क्या बन जाएगा। ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुड, ऐसे ही सब गायब हो जाएंगे मालूम है। फाइनली क्या हो जाएगा मालूम है, अब ये मिल जाएगा वन माइनस एक्स पावर एट, ऐसे करते करते फाइनली आएगा 1 माइनस एक्स के पावर 2n और लास्ट में बच जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 2n। ये आपको जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर 4n बन जाएगा। ठीक है भैया, पावर 4n बन जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स वाई बराबर इतना, आपको वाई आ जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 4n अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ गया यही वाई है। अब यहां से हम लोग निकाल देंगे क्या वाई डैश, यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे वाई डैश निकाल देंगे, हमारा जो वाई डैश आएगा यहां पे लगा दो, वो कोसाइन टू लगा दो डी एन डैश, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डी एन डैश मतलब हाँ अभिनव को लॉग भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने लॉग वाला पढ़ाया नहीं ना, अभी मैंने लॉग वाला पढ़ाया नहीं ना इसलिए हमने नहीं लिया, आप ऐसे भी कर सकते हो।
हमें ये यहाँ पे न्यूमरेटर का स्क्वायर फिर डी और एन डैश मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा माइनस फोर एन एक्स पावर फोर एन माइनस वन माइनस फिर डी एन डैश माइनस एन डी डैश एन डी डैश मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो वन का जीरो माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा। अच्छा y डैश कहाँ पे है x इक्वल टू जीरो पे तो x को जीरो कर दो जब जीरो कर दोगे तो ये वन हो जाएगा जीरो कर दोगे तो गायब ये भी वन हो जाएगा रुको रुको जीरो करोगे तो क्या होगा ये गायब हो जाएगा इंटू जीरो हो जाएगा माइनस माइनस बोलो अच्छे से बोलो प्लस हो जाएगा और एक मिनट यहाँ जीरो कर दोगे तो ये भी आपका वन माइनस जीरो वन हो जाएगा जीरो कर दोगे तो अपन वन हो जाएगा आंसर वन आ गया आंसर वन आ गया देख लो कोई दिक्कत हम एक मिनट का समय जाएंगे आपका भैया आगे बढ़े अगला सवाल लीजिए बढ़िए अगला सवाल आपके लिए आ रहा है रेडी हाँ मेरी तरफ से अगला सवाल आ रहा है आपको बढ़िया सवाल आने वाला है चलिए सवाल है y इक्वल टू एक्चुअली हम लोग पास एक ब्रह्मास्त्र है ना वो कुछ भी वाला वो ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि सवाल कितना भी अच्छा हम दे देंगे आप लोग हर सवाल को यूं यूं कर लोगे कुछ फंसेगा ही नहीं तो चलो इसको ही करो अच्छा जरा डी वाई डी फाइंड करो देखो कितना आ रहा है डी वाई साइन करो कितना आ रहा है
चलिए सॉल्व करते हैं, कुछ आंसर आया क्या आसपास का लम सम का आंसर? तो वाइट एस निकालेंगे हम लोग, डिवीजन रूल लगा दे रहे हैं, डिवीजन रूल लगा दे रहे हैं। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर ए क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर डी एंड एस मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब देखो एक्स का वन हो जाएगा, यहाँ थ्री ए स्क्वायर आएगा माइनस एक्स क्यूब का आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, फिर डी एन डेस माइनस एन डी डेस, एन मतलब न्यूमरेटर, एंड डी डेस मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ए क्यूब तो कॉन्स्टेंट वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स आएगा माइनस थ्री ए सिक्स ए बन जाएगा, माइनस सिक्स ए एक्स बन जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का टू एक्स तो टू थ्री या सिक्स माइनस सिक्स ए एक्स, चाहो तो हाँ कोई बात नहीं मैच कर लेना अपना बेटा, ठीक है आंसर मैच कर लेना, देखो हो रहा है कि नहीं, ये सब आ रहा है गंदा गंदा देखो। हाँ अच्छा यहां से अगर हम ए कॉमन कर लें, छोड़ दें प्यार क्या करना है, सिंपलीफाई करना चाहो कुछ कॉमन वोमन ले लो सर, इसी पर नहीं छोड़ सकते? हाँ हाँ और क्या, ये लो आंसर हो गया, छोड़ दिया मैं, कोई मिनटॉस नहीं है भैया, अभी अब क्या मिनटॉस चाहते हो, मतलब सवाल कर में न किया जाए, यही तो मिनटॉस है, ये सब मिनटॉस है समझ रहे हो, नहीं ये सब मिनटॉस है। दव्या कुछ शॉर्टकट में आंसर दीजिए, पता नहीं क्या ए यहाँ से कॉमन करके ए स्क्वायर बाहर निकाल लिए। हाँ सर नहीं तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, यही आंसर है समझ रहे, यही आंसर है, यही आंसर ले लो खत्म हो गया। तेरा छोटा आंसर हमारा छोटा आ रहा है, कुछ कट पिट गया होगा तुम्हारा, और छोटा है चलो ठीक है, तो सॉल्व कर लेना इसका आंसर को, मालूम है आंसर ही देंगे सॉल्व करके, मैच कर लेना आप लोग सॉल्व करने के बाद, मतलब जब बहुत मेहनत करोगे तीन चार साल तक तो आंसर ये पाओगे समझ रहे हो, सिक्स ए क्यू एक्स स्क्वायर थ्री ए का पावर फाइव अपॉन में ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर है का स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है मैच कर लो, लिख लो फटाफट माइनस सिक्स ए क्यूब एक्स स्क्वायर ऊपर, नहीं सर प्लस आ रहा है बेटा, समझो मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझो, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस बन ही जाएगा ना, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा दोस्त, क्या कहते हो क्या दो? हाँ सर तो आगे बढ़े, प्लस ही आ रहा है, देखो अनन्या भी कह रही है यहाँ से प्लस आ रहा है, जावेद मियां मान लीजिए ये सही है, समझ रहे नहीं आप, हम बढ़ गए आगे देख लो, ये लोग आगे बढ़ गए। चलिए मान लिए, चलिए ठीक है, अच्छे सवाल दे रहे हैं, बहुत कठिन सवाल दे रहे हैं, देखते हैं कौन पहले करता है। y इक्वल टू वन प्लस x x स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, x क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, x की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, x की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, इनफाइनाइट तक, मतलब अब इसको करो देखो क्या आ रहा है, इस सवाल को करने के बाद समय है 15 सेकेंड, 15 सेकंड में जवाब चाहिए हमको, इतना कठिन सवाल है। माइनस कॉस एक्स, हाँ भैया माइनस कॉस एक्स कैसे कैसे माइनस कॉस एक्स कैसे आएगा, और कोई सोच बताओ, सोचो
माइनस कॉस एक्स होगा वो तो तब ना जब ये साइन एक्स होगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन ये होता है क्या? ये है तो एक्सपेंशन, तुम पहुंच तो गए आधे रास्ते, लेकिन आधे सर ई टू द पावर ये हुई ना बात, ई टू द पावर एक्स। बहुत बढ़िया गौरव का स्मार्ट आंसर देखो करा सर 2.67। अरे बकलोल 2.67 तो कांस्टेंट हो गया, वो तो e का वैल्यू होता है ना, वो 2.7 के आसपास, e की पावर x भी तो है, उसका पावर x बोलो तब अच्छा लगे ना। गड़बड़ा गए। चलो हम कह रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये तो e की पावर x है, तो एड्रेस क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा। अच्छा एक काम करो, सुनो बेटा, हम कह रहे हैं कि मान लो सर हमको ये नहीं मालूम है, अब क्या करेंगे? मान लीजिए सर हमको नहीं मालूम है भाई, हाँ हम कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम कह सुनो अच्छा एक काम करो, आओ y डैश निकालो ना, तो 1 का 0 ये नीले वाला बिंदी हटा दो, नीला वाला बिंदी हटा दो, हटा दो बिंदी भैया, चाहे अच्छा हम ही हटा देंगे, लो हटा दिए हम, क्या करें ना y 1 का डिफरेंस 0, x का 1 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x, 2 कट जाएगा x आएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 3 से फैक्टोरियल कटेगा, जहां फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, x की पावर 4 का बनेगा 4x क्यूब और फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 4 इनटू फैक्टोरियल 3 4 कट जाएगा, हम ये देखेंगे यही वैल्यू रिपीट हो गया, y डैश कितना आ गया, वापस से y आ गया, y डैश y आ गया, तो वही तो है, y बराबर क्या है e पावर x, y डैश y आ गया, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि सेम डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं ये e की पावर x है बेटा, sin x नहीं है, ये sin x नहीं है, sin x तो ऑड एक्सपेंशन होता है ना, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7, ऐसे चलता है ना भैया, ये आपका sin x है। cos क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, ऐसे चलता रहता है। दिस इज sin x, दिस इज cos x, ये ऑड है और ये इवन है, बोलवा रहा है, आ रहा है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, सवाल है, सवालों का सिलसिला जारी है। सर एक मिनट, सर लिखे नहीं थे सर, लिख ले भाई लिख ले, आप हटा दे रहे हैं, ले लो लिख लो लिख लो। हो गया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हो गया तो सवाल है, अगला सवाल दे रहा हूं, सवाल ले लो, सवाल ले लो, टेन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग में 10 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, करिए फाइंड dy/dx, dy/dx फाइंड करिए, डेढ़ मिनट में फाइंड कर लीजिए, डेढ़ मिनट में जवाब दे दीजिए फटाफट, चलिए मजा आया, अच्छी बात है। हो गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुखी रहो, हो गया सर डन। अरे वाह यार मजा आ गया, तुमने तो यार डेढ़ मिनट मिल लेते सॉल्व सॉल्व करने में, बात याद नहीं सर। चलो अच्छी बात, अच्छा एग्जाम में ऐसे मत करना फटाफट फटाफट, एग्जाम में सलीके से करना, हाँ मतलब खूब लिखना, बता रहे हैं हर बार चेतावनी दे रहे हैं सर, कैसे लिखेंगे तो। अच्छा बहुत बढ़िया, ये देखो इसका सवाल हमको अच्छा लगा सर, ये लिखेंगे कैसे, फाइनली एक सवाल आप कराई दीजिए, हम तो कह रहे हैं देखो, अब मान लो ये बोर्ड में सवाल आता है 4 नंबर का, ठीक है, तो चार नंबर में सवाल कैसे करते हैं अप्रोच, हम कहते हैं कंसीडर, क्या कहते हैं कंसीडर टी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका tan t बन जाएगा, tan t बन जाएगा, u इक्वल टू tan t मान लेंगे, u इक्वल टू tan t मान लेंगे,
सर इतना लिखेंगे तो लास्ट में छूटने लगेगा। नहीं 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 नहीं, तो हम इतने आराम से लिख रहे हैं, आप जल्दी जल्दी लिखेगा। और नंबर एक, नंबर एक दूसरी बात सर, बुक में कुछ भी वाले से किया है, गौरव कह रहा है। अरे मतलब फिर भी वो डिवाइड ये सब चिपका सकते हो, हाँ, लेकिन चार नंबर सवाल जब बोर्ड से आएगा ना, बुक में तो कर दिया लेकिन नंबर सब काट लेते हैं। बढ़िया अंजलि बेटा, नंबर सब काट लेते हैं। ये चार नंबर का है? हाँ चार नंबर मान लो, छह नंबर मान लो, चार छह नंबर का। देखो तो टी आपका 1+x² हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, 10t हो जाएगा। अच्छा और एक और मान लो, इसको वी मान लो, वी मान लो, वी मान लो क्या हो जाएगा, 10t का आपने यू मान लिया ना, बस हो तो गया। तो वाई क्या बन गया आपका, वाई बन गया लॉग यू, बोलो वाई बन गया लॉग यू, लिख रहा आपको लॉग यू, जहां पे यू क्या है आपका 10t और टी क्या है आपका 1+x², तो डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डीवाई बाई डी यू, वाई को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बैलेंस करने के लिए डी यू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यू क्या है आपका टी का फंक्शन, तो डी यू बाई डी टी, टी को बैलेंस करो ऊपर डी टी लिख दो, टी क्या है एक्स का फंक्शन, डी टी बाई डी एक्स। सो दिस इज योर चेन रूल, चेन रूल, दिस इज योर चेन रूल। इतना करोगे तो यहाँ पे दो नंबर आपको मिल जाएगा, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, समझ रहे हो। अच्छा आगे बढ़ेंगे, अब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी यू, वाई क्या है आपका लॉग यू, लॉग यू, देखो तो चार नंबर कैसे मिल रहा है, पहले मेहनत देखो, इंटू डी बाई डी टी, यू क्या है 10t, इंटू डी बाई डी एक्स, टी क्या है बेटा 1+x² सॉल्व करेंगे हम लोग, लॉग यू 1/u हो जाएगा, 10t sec स्क्वायर टी हो जाएगा, और 1+x² 2x बन जाएगा। और सबको अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ, यू क्या था आपका, यू था 10t, यहाँ लिख दो 10t, 1/10t sec स्क्वायर टी, sec स्क्वायर टी, टी क्या है आपका 1+x², sec स्क्वायर 1+x², सबको x के टर्म में ला रहा हूँ मैं, और ये 2x। एक बार मेहनत करेंगे, 10 ऊपर जाएगा cot बन जाएगा, cot और t क्या है आपका 1+x², cot में 1+x², sec स्क्वायर में 1+x², और इंटू 2x, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं एक नंबर यहाँ दे देगा, और सॉल्यूशन पे यहाँ के बाद एक नंबर यहाँ दे देगा आपको, ठीक है। तो चार नंबर सवाल हो जाएगा आपको, तो ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब मीटिंग एंड होने वाला है, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो फटाफट, स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो, 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा, 5 सेकंड, नेक्स्ट मीटिंग में आओ, प्लीज ज्वाइन करो।